ड्राइविंग लाइसेंस क्यों बनवाना होता है, इसकी क्यों जरूरत पेश आती है? पाकिस्तान के कानून के मुताबिक इवन के अदर कंट्रीज में भी कोई भी जिसकी एज 18 साल से ज़्यादा हो जाती है वो अहल हो जाता है ड्राइविंग लाइसेंस बनवाने के। विदाउट ड्राइविंग लाइसेंस वो कोई भी मोटर कार या मोटर बाइक वगैरह रोड पे नहीं चला सकता। वैसे भी एक अच्छा शहरी होने के नाते ड्राइविंग लाइसेंस होना नहायत ज़रूरी है। ये काफ़ी मौक़ों पे आइडेंटिफिकेशन के लिए भी काम आता है। इवन कि आपने जब बाहर जाना होता है और वहाँ पे जाके ड्राइविंग लाइसेंस बनवाते हैं तो वहाँ पे भी ये आपका लाइसेंस काम आता है। लाइसेंस, ड्राइविंग लाइसेंस की 3 टाइप्स हैं, एक मोटर बाइक और मोटर कार की, दूसरी LTV और तीसरी HTV। मोस्टली जो लोग हैं वो मोटर कार और मोटर बाइक का लाइसेंस बनवाते हैं क्योंकि आम रूटीन में उनको इन्हीं चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है। इवन कि मेरा लाइसेंस भी जो है वो मोटर कार और मोटर बाइक का है। अब देखते हैं कि इसका प्रोसीजर क्या है। सबसे पहले आपने जो अपने डिस्ट्रिक्ट में ट्रैफिक पुलिस का जो दफ्तर है वहाँ पे चले जाना है, वहाँ से लर्नर बनवाना है। उसके लिए आपने वहाँ से एप्लीकेशन फॉर्म लेना है, उसको फिल करके उसके साथ अपनी CNIC की कॉपी अटैच कर देनी है, 2 तस्वीरें और टिकटें पता कर लेनी है वहाँ से कितने के लगते हैं क्योंकि ये रेट्स चेंज होते रहते हैं। तो आपने करंटली जो रेट वहाँ पे चल रहे हैं उनकी रेट का उस रेट की टिकटें लेके उसके ऊपर लगा देनी है। उसके बाद आपने गवर्नमेंट हॉस्पिटल से अपना मेडिकल करवाना है। मेडिकल में 2 चीज़ें इंक्लूड होती हैं, उसमें आपका आई टेस्ट और आपका ब्लड टेस्ट होता है। इन चीज़ों को आपने वहीं पे सबमिट कर देना है और उसके बाद फिर आपने वेट करना है अपने ड्राइविंग टेस्ट का। आपको ड्राइविंग टेस्ट के लिए बुलाया जाएगा, उसके बाद आपने जहाँ पे आपको बुलाया है ड्राइविंग टेस्ट के लिए वहाँ पे चले जाना है, जिसको फिजिकल टेस्ट भी बोलते हैं। उसमें आपके 2 टेस्ट होते हैं, एक रिटन टेस्ट होता है जिसमें क्वेश्चन होते हैं MCQs, और दूसरा ड्राइविंग टेस्ट होता है जिसमें आपने कार या गाड़ी जो भी आपका लाइसेंस है उसके लिए आपने वो चला के दिखानी है वहाँ पे। रिटन टेस्ट के लिए मैं आपको टिप देता हूँ कि आपने वहाँ पे एक बुक पड़ी होती है ड्राइविंग सिग्नल्स की, वो आपको 10, 20 या 50 रुपये की मिल जाएगी। वो आपने ले लेनी है, उसमें तकरीबन 80 to 100 रोड सिग्नल्स होते हैं, साइंस होते हैं, वो आपने पढ़ लेने हैं, उन्हीं में से क्वेश्चन आते हैं। पास होने के लिए आपको 80% मार्क्स चाहिए। अगर आप 80% मार्क्स नहीं ले पाते तो फिर आपको दोबारा टेस्ट देना पड़ेगा, कुछ दिन बाद आपको टाइम मिलेगा। अदरवाइज आप पास हो जाते हैं तो उसके बाद फिर आपको उसी दिन सेम डे में आपका जो ड्राइविंग टेस्ट है वो ले लिया जाता है। आफ्टर ड्राइविंग टेस्ट आपसे TCS के पैसे डिमांड किए जाते हैं, वो आपने वहाँ पे कर देने हैं, और कुछ दिन बाद आपका ड्राइविंग लाइसेंस जो है वो आपके दिए गए पते पे मौसूल हो जाएगा। तो ये था जी ड्राइविंग लाइसेंस बनवाने का तरीका, बहुत ही आसान है, सिंपल है। बहुत सारे दोस्त पूछते हैं कि इसका क्या तरीकाकार है, तो वेरी सिंपल, आप जाएं, अगर कोई मुश्किल परेशानी आती है तो आप मुझसे कांटेक्ट करें, मैं इंशाल्लाह आपको गाइड करूँ। और नेक्स्ट वीडियो में आप इंशाल्लाह मैं आपको बताऊंगा कि इंटरनेशनल ड्राइविंग लाइसेंस कैसे बनवाते हैं, जो ऐसा ड्राइविंग लाइसेंस जो पूरी दुनिया में ऑल ओवर द वर्ल्ड आपके काम आता है, आप कहीं पर भी दुनिया में हों आप ड्राइव कर सकते हैं। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि मेरी आने वाली वीडियोज़ आप तक पहुँचती रहें। थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज़।